बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ऐसे में जिन लोगों की शादी तय हुई है उन्हें खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। समस्तीपुर जिले से शादी की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने नाव से बारात लेकर पहुंचा और नाव पर ही दुल्हन विदा हुई। मामला कल्याणपुर प्रखंड के गोबरसिड्डा गाँव का है। यहाँ बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ में गोबरसिड्डा गाँव चारों ओर से पानी से घिर गया है। इसी में बारिश नगर के पुरनाही गांव से दूल्हा चंदन कुमार की शादी राम सकल राम की पुत्री काजल से होनी तय थी। शादी के लिए चंदन बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आया था, लेकिन गोबरसिड्डा में दुल्हन के घर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिससे दुल्हन और बरातियों को नाव से ही लड़की घर तक जाना पड़ा। गाँव के लोगों ने दूल्हे और बारात में आए लोगों के लिए 3 नाव की व्यवस्था की थी। बारात लगने के बाद बाढ़ के पानी में ही शादी की रस्म पूरी की गई। फिर अगली सुबह दुल्हन को दूल्हे के साथ नाव से ही ससुराल के लिए विदा भी किया गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमरा मत्स्य काटे चल खिला लो हमरा ये लड़की नहीं है पर गाड़ी बैठो कथा गाय ला।